गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज हरप्रीत सिंह एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का टॉपिक, रैपिड्स एंड फिल्टर। तो बेसिकली रैपिड्स एंड फिल्टर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर अब पढ़ेंगे। स्लो सैंड में क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और रैपिड में थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है, डिफरेंस बात नहीं है, और इसकी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एज स्लो सैंड फिल्टर्स रिक्वायर मोर स्पेस, लेबर एंड कॉस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस और लेबर और कॉस्ट इसमें लगती है। मोर ओवर द फिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑल्सो लो, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट इसका थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, स्लो सैंड में। स्लो सैंड में क्या होता है कि पहले फाइन ग्रेन होगी, फिर कोर्स ग्रेन होगी, फिर साइज ऑफ ग्रेवल्स हो गए स्मॉल लार्जर, ठीक है, इस टाइप। इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसका फिल्ट्रेशन रेट लो होता है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इधर बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैंड ग्रेन और बाय अलाउइंग द वाटर टू पास अंडर प्रेशर थ्रू द फिल्टर मीडिया, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि या तो हमें ग्रेन साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या तो हमें विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, ठीक है, अंडर प्रेशर फिल्ट्रेशन मीडिया में वाटर को पास करना पड़ेगा। ये 1900 से लेके 1910 में ये रैपिड सैंड फिल्टर वर डेवलप्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप हुआ था, बना था, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फिल्टर द साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स इंक्रीज, हैंस द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर सैंड का साइज इंक्रीज होगा तो वो इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा, अगर तो स्मॉल है तो इन्फिल्ट्रेशन में टाइम लगेगा, ठीक है, वाटर को सैंड में से पास होने में टाइम लगेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल में पहला पार्ट है इसका इनक्लोजर टैंक, ठीक है, फिल्टर मीडिया, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, मिसलेनियस अपरेटस चीज, ठीक है। पहले आ गए इनक्लोजर टैंक, ठीक है, इस टैंक की जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लास्ट में क्या था, लास्ट में भी मैसनरी से बना हुआ था या कंक्रीट सिस्टम, कंक्रीट से बना होगा, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर टैंक के बारे में, ठीक है। इट इज़ एन ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक मेड ऑफ मैसनरी और सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। इसकी जो डेप्थ होती है वो 2.5 से 4 मीटर तक होती है, ठीक है। द सर्फेस एरिया इन प्लेन वेरीज फ्रॉम 2200 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, फॉर ईच यूनिट। जो इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, हर यूनिट में, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में पिक्चर आपने देखी थी कि जो यूनिट है कि 3 से 4 यूनिट होते हैं, ठीक है, दो लेफ्ट और दो राइट, इवन 3-3 बोथ साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो उसका सरफेस एरिया होता है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, उसका होता है 2200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द यूनिट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर आर अरेंज्ड इन सीरीज में होते हैं ये, ठीक है। अब फिल्टर मीडिया क्या है, दी सैंड बेड बेसिकली, लास्ट में भी सैंड था, ठीक है, पहले मीडिया कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर, ठीक है, उसके जो इफेक्टिव साइज है वो भी सेम है 0.3 to 0.5 mm, ठीक है, एंड कॉफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लाइज बिटवीन 1.2 to 1.65, ठीक है, इसकी वेरीज करती है, उसकी 1.45 समथिंग थी, ठीक है, इसकी 1.2 to 1.65 थी। The fine up particle are placed at the top and coarser particles at the bottom of the sand bed, ठीक है, ये भी कुछ सेम ही प्रोसेस है इसका, ठीक है। इन दिस वे द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज ग्रेवल, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन का जो लेवल है, ठीक है, वो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्रेवल एज बेस मटेरियल, इसमें भी ग्रेवल आ गया, ठीक है, जो कि सैंड के जो हमारा बेड है उसको लेव सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द वॉशिंग वाटर एंड प्रिवेंट द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द एंटरिंग इनटू अंडर ड्रेन पाइप, ठीक है, ये भी रोकता है, प्रिवेंट करता है सैंड पार्टिकल्स को, ठीक है। द ग्रेवल इज प्लेस्ड इन 5 or 6 लेयर ईच ऑफ थिकनेस 10 to 15 सेंटीमीटर। जो हमारी ग्रेवल हमने प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है,
उनकी जो लेयर होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि साइज़ के, हमने जैसे लास्ट में पढ़ा था कि हमारा साइज़ वेरी कर रहा था, ठीक है, पहले 3 mm से लेकर 5 mm तक, फिर ठीक है 5 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 20 तक ऐसे था ना, इसलिए दी टोटल थिकनेस वेरीज फ्रॉम 60 to 90 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर था, ठीक है। दी साइज ऑफ ग्रेवल वेरीज फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर टू एट बॉटम एंड 0.5 सेंटीमीटर एट टॉप, यहाँ पर आप देख ही सकते हो साइज वेरी कर रहा, ठीक है। तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अब इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर अंडर ड्रेनेज सिस्टम सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस, इट रिसीव एंड कलेक्ट द फिल्टर्ड वाटर, ठीक है, ये रिसीव करता है और कलेक्ट करता है जो हमारा वाटर फिल्टर हुआ हुआ है, ठीक है। वेट, ठीक है, इट अलाउज द बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग द फिल्टर, इससे क्या होता है हम दोबारा पानी उसमें सप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है, उसको हम वॉश कर सकें, ठीक है। द सिस्टम शुड बी डिजाइन टू सर्व द अबव पर्पसेस इफेक्टिवली, ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ पासिंग द वॉश वाटर अपराइट एट हाई रेट एंड द रेट शुड बी नॉट एक्सीड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू बी रिटेन्ड इन द फिल्टर, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी इसमें, ठीक है, जो भी इसके जो स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं, जो उसकी जो ग्रेविटी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो वो सेटल करते हैं, ठीक है, वो कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हम वाटर की इतनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए ताकि जो वो सेटल ही ना हो, ठीक है। एज द वेलोसिटी रेंजेस बिटवीन 0.3 to 0.9 meters per minute square, ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ बैक वॉश इज अबाउट 300 to 900 liters per minute per meter ऑफ फिल्टर एरिया, ठीक है। जो बैक वॉशिंग का जो हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, वाटर का, वो 300 to 900 liters per minute, ठीक है, मिनट और मीटर एरिया हो गया, ठीक है, उसका मीटर हो गया ऑफ फिल्टर एरिया, ठीक है, होना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कम हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम दैट आर मोस्टली यूज, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, परफोरेटेड पाइप, ठीक है, परफोरेटेड पाइप वो हो गए जिनमें छेद हुए होते हैं जब हम वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो हल्का हल्का पानी जो बूंदे होती हैं, ठीक है, वो उसमें से गिरती रहती हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मैनिफोल्ड एंड लेटरल सिस्टम, इसको बोलते हैं, ठीक है, पाइप एंड स्ट्रेनर, ठीक है। एक जैसे कि आज ये दूसरा सिस्टम में क्या है कि पाइप के साथ एक स्ट्रेनर लगा होता है जिसको हम जाली बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे सैंड पार्टिकल और जो हमारे सैंड के हो गए जो अदर पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इम्प्योर पार्टिकल हो गए, उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है, हमारे जो प्योर वाटर होता है। फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, परफोरेटेड पाइप सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ 40 मीटर डायमीटर मैनिपुलेट पाइप विच रन्स लेंथवाइज अलॉन्ग सेंटर ऑफ फिल्टर बॉटम, ठीक है, ये सेंटर में होता है, जो इसकी लेंथ होती है, सॉरी इसका डायमीटर होता है वो 40 मीटर होता है। द लेटरल ड्रेन्स आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर, हम मैं आपको लास्ट अभी नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ। जो लेटरल ड्रेन होती है वो जो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 15 to 30 सेंटीमीटर तक हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द लेटरल इस जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, ठीक है, उसका 30 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड विद द होल्स ऑफ 10 mm डायमीटर, जैसे मैंने आपको बताया थी होल्स होते हैं, ठीक है, परफोरेटेड पाइप में, ठीक है, बोथ साइड एंगल 30 degree, ठीक है, विद द वर्टिकल। द स्पेसिंग ऑफ द होल्स वेरी 7.5 to 20 सेंटीमीटर, जो उसकी स्पेसिंग होती है होल्स की जो पाइप्स में होते हैं, ठीक है, वो 7.5 to 20 तक सेंटीमीटर तक सेंटर टू सेंटर होते हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर देख लो, ठीक है, देखो, वेट, ये देखो, ये हो गया हमारा सैंड का बेड, ठीक है, और ये हो गया ग्रेवल्स का, ठीक है। यहाँ से हमारा जो पानी, ठीक है, इनलेट में से इनलेट है ये, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, सैंड के बेड तक, ठीक है, ये इनलेट चैम्बर हो गया, ठीक है, और ये हमारे यहाँ होगी ड्रेनेज सिस्टम जो हमने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर जो वॉश वाटर, ठीक है, ये वॉश वाटर है, बाद में जब हम साफ़ करेंगे, ठीक है,
ये वो है, और ये हो गया हमारा कलेक्टिंग के लिए, ठीक है, जहाँ से हम पानी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से पानी, ठीक है, हमारा इनलेट हुए, यहाँ से हमने यहाँ पर स्टोर किया, ठीक है, सैंड में से और ग्रेवल में से इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है, ड्यू टू वो पास कर गया, और ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, और यहाँ से जो पानी है वो जो हमारा प्योर वाटर है जो हमने प्योर किया वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है, हम कलेक्ट कर लेंगे, ये देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इधर है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, और दूसरी साइड है बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग भी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर हम उसी बेड पर जो हमारा वाटर है उसको, ठीक है, प्योर करने का दोबारा प्रोसेस करेंगे तो वो क्या होता है कि जो उसमें प्योरिटीज होती हैं वो भी वाटर के साथ, जो हमारा प्योर वाटर होता है उसके साथ आ जाती हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा रॉ वाटर जो हमने, ठीक है, कलेक्ट किया हुआ है। ये होगी सैंड की लेयर, ठीक है, ये हो गया फिल्ट्रेशन गैलरीज, ठीक है, और यहाँ से जो पानी हमारा प्योर होके यहाँ से हम स्टोरेज टैंक है ये हमारा, ठीक है, बेसिकली ट्रीटेड वाटर चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी जो गैलरीज हैं, ठीक है, जो ड्रेनेज है, ठीक है, सिस्टम है वहाँ से, ठीक है, ये देखो, ये हो गया, सॉरी, ये इधर वॉशिंग का सिस्टम है, इधर हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए। दिस सिस्टम इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ये सिस्टम सिंपल भी है और इकोनॉमिकल भी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर था, ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो लेबर है, ठीक है, और ज़्यादा स्पेस लगती है, ठीक है, फॉर वॉशिंग पर्पसेस इट रिक्वायर 700 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये वॉशिंग के लिए बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल इसमें होता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, एक तो, और एक और जो हम जब हम अपना वॉशिंग करते हैं, ठीक है, तो जो सैंड का सैंड होती है, जो हमारी अपर लेयर होती है वो कुछ ख़राब हो जाती है, ठीक है, जैसे कि पानी हम डालते हैं वो फैलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था पाइप के साथ जालियाँ लगी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, और इसमें होल्स क्यों होते हैं ताकि जो हमारा सेक्शन डी है, ठीक है, ताकि जो हमारा वाटर है वो पास आउट हो जाए। इन दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ होल्स स्ट्रेनर आर प्लेस्ड इन लेटरल एज शोन इन फिगर, ठीक है। अ स्ट्रेनर इज अ स्मॉल ब्रास पाइप विच इज़ क्लोज एट टॉप, ठीक है, वो क्लोज होता है, होल्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस, ठीक है। इन दिस केस कंप्रेस्ड एयर यूज, ठीक है, इसमें कंप्रेस्ड एयर यूज होती है वॉशिंग के लिए, फिल्टर के लिए, ताकि उसे उसको आया के जा सके, उसके जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें रिमूव हो जाए, ठीक है। फॉर वॉशिंग पर्पसेज इट रिक्वायर्स 250 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ फिल्टर एरिया। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग दी अबव सिस्टम, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन शुड बी अबाउट 0.2% ऑफ द टोटल एरिया। जब भी हमें इसका डिज़ाइन करना है तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेसिकली वो 0.2% ऑफ द टोटल एरिया होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेंट्रल ड्रेन शुड बी इक्वल ऑफ 2 times ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ईच लेटरल, यहाँ पर सॉरी ईच आना था, ठीक है, दोनों साइड, जैसे कि वेट, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये बोथ साइड जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर जितना भी एरिया है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल शुड बी 2 to 4 times ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज परफोरेशन इन इट, ठीक है, जिसमें भी परफोरेशन होनी है वो उसका जो लेटरल एरिया है, ठीक है, जो भी उसका सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, ठीक है, वो 2 to 4 times होना चाहिए, ठीक है, परफोरेशन के जिसमें हो। लेंथ ऑफ द लेटरल ड्रेन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द लेटरल ड्रेन शुड नॉट एक्सीड 20, ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मिसलेनियस अप्रेंटिसिस, ठीक है। फर्स्ट है फ्लो रेट कंट्रोल। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था स्लो सैंड फिल्टर में भी
कि फ्लो रेट डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी कितनी है। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो हमारे लॉसेस के भी चांस होते हैं, ठीक है। अगर कम है तो जो उसका फ्लो रेट है, ठीक है, वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इतने तो हमारे लिए वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ना तो हमारी ब्लॉकेज हो, ठीक है, और ना ही हमें, ठीक है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है, ताकि जो हमारा फ्लो है, ठीक है, हमारे पास लॉस भी ना हो, हेड लॉस हो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, वो भी ना हो, ठीक है। एयर कंप्रेसर इट अबाउट 5 मिनट एट द रेट ऑफ 500 लीटर्स पर मिनट मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना होना चाहिए कंप्रेसर के लिए, एयर के लिए। वाटर वॉश वाटर थ्रू आउट, ठीक है, 50% सैंड एक्सपैंड ड्यू टू बैक वॉशिंग, जैसे मैंने आपको बताया था। बॉटम अबाउट, इसका जो बॉटम होता है, ठीक है, वो 4.5 टू 7.5 सेंटीमीटर अबव द बेड ऑफ द सैंड, प्लेस्ड एट 1.4 टू 1.9 मीटर अपार्ट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।